भुवन बाम की ताजा खबर नाम की वेब सीरीज कैसी है, चल इसके बारे में बात करते हैं। तो ताजा खबर एक फैंटेसी ड्रामा है जिसके टोटल 6 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 25 से 30 मिनट का है। और ये कहानी है वास्या वसंत गावड़े की, जहां उसकी माँ घर घर जाके बर्तन मांगती है, बाप बेवड़ा है और उसकी बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, तंग करता है, और वास्या खुद शौचालय के गले पे जाके बैठता है, लिटरली शौचालय के गले पे जाके बैठा है। और जो वहाँ पे शौचालय जिस तरीके से दिखाया गया है भाई, खाते टाइम तो ये वेब सीरीज बिल्कुल मत देखना, खास करके एपिसोड 1, क्योंकि पूरा वहाँ रियल टट्टी भी दिखाई गई है। तो वहाँ पे रियलिज्म का पूरा वहाँ पे ध्यान रखा गया है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही रखा गया है, मतलब रियलिटी दिखा दिए। चलो उस बात को साइड करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं वास्या के बारे में। तो वास्या का जो कैरेक्टर है वो दिल का बहुत साफ दिखाया गया है, गरीब है लेकिन दिल का अच्छा है, दूसरों के बारे में ज़्यादा एफर्ट्स करता है। और इसको एक दिन वरदान मिल जाता है कि वो कोई भी होने वाली चीज़ उसके होने से पहले वो देख लेता है। तो वरदान यूज़ करके उसकी जो डेली लाइफ है, उसकी जो लाइफ स्टाइल में उसमें क्या फ़र्क पड़ जाता है, उसके एटीट्यूड में क्या फ़र्क आता है, वास्या का पूरा ट्रांजिशन कैसे होता है, उसके बारे में पूरी ये वेब सीरीज में दिखाया गया है। अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। मैंने जब ट्रेलर देखा था तो मेरे को लगा था कि कोई ट्रेडिंग ऐप या कोई मोबाइल ऐप के बारे में होगा, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट था और देखने में मज़ा आया। तो ताज़ा खबर एक्चुअली 6 एपिसोड का रोलर कोस्टर था, जहाँ पे स्टार्टिंग में अच्छी चलती है, उसके बाद थोड़ी स्लो होती है और उसके बाद एकदम से पेस पकड़ लेती है। तो मेरे हिसाब से वो 8 से 10 एपिसोड कर सकते थे और थोड़ा डिटेल में हमको दिखा सकते थे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रोलर कोस्टर की तरह ये 6 एपिसोड निकल जाते हैं और एकदम से ख़त्म हो जाती है, ये बोर बिल्कुल भी नहीं करती। और अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से देख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। लेकिन आप जब ये वेब सीरीज देखो तो ये ध्यान में ज़रूर रखना कि एक फैंटेसी ड्रामा है, तो आपको इसको फैंटेसी की तरह से ही देखना है, रियल लाइफ से कंपेयर नहीं करना। इसी के साथ साथ अगर भुवन बाम की बात की जाए तो जो वास्या का कैरेक्टर है, उनकी वीडियोस या जो उन्होंने वेब सीरीज पहले की थी ढिंडोरा, इससे पूरा डिफरेंट है। उन्होंने ऐसा रोल कभी पहले प्ले नहीं किया, ये इनके लिए बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग बात थी, लेकिन भुवन बाम ने इसको इतनी बेहतरीन तरीके से प्ले किया है जैसे कि ये कैरेक्टर इन्हीं के लिए बना था। अब बात की जाए स्टोरी की, तो स्टोरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। मेरे हिसाब से स्टोरी और डिटेल में हो सकती थी और थोड़े और ज़्यादा एपिसोड होते तो देखने में मज़ा आता, लेकिन छोटे एपिसोड है रोलर कोस्टर की तरह निकल जाते हैं, आपको बिल्कुल मज़ा आता है। बीच बीच में आप इतना इमोशन कनेक्ट नहीं कर पाते, इमोशनल कनेक्शन आपका इतना नहीं बनता। ओवरऑल ये वेब सीरीज मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इस वेब सीरीज में गालियाँ भी है और अगर ट्रेलर में आपने देखा होगा तो एक आध किसिंग सीन भी है, बाकी न्यूडिटी इसमें नहीं है। तो फैमिली के साथ देखना प्रेफर बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत है आप हेडफोन लगा लेना। अगर एक्टिंग की बात की जाए तो भुवन बाम और जो उनकी माँ का है, मेरे को कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उनकी और सबकी एक्टिंग के लिए 5 out of 5 है। अगर स्टोरी की बात की जाए तो वो भी 4.5 out of 5 है। अगर मैं ओवरऑल रेट करना चाहूँ पूरी वेब सीरीज़ को तो मैं 4.5 out of 5 देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। शॉर्ट थी, शॉर्ट एंड सिंपल इसकी स्टोरी रहती है और थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल इसकी स्टोरी हो जाती है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी हमको मज़ा देती है, एंटरटेनमेंट देती है। और अगर आप भुवन बाम के फ़ैन हो तो आपको डेफिनेटली ये वाली वेब सीरीज चेकआउट करनी चाहिए, ये आपको मिल जाएगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। और अगर आप फ़ैन नहीं भी हो तो आपको डेफिनेटली ये एक बार तो चेकआउट ज़रूर करनी चाहिए, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो ये एक बार तो देखना बनता है। तो गाइस ये वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।